जीके ट्रिक ले लो भाई, जीके ट्रिक साइंस का जीके ट्रिक। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, गरिमा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पारे के अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जो कि कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात लिक्विड फॉर्म या लिक्विड स्टेट में, अर्थात तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, मैं अंत में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके सहारे आप एक ही बार में ये पूरा का पूरा समुच्चय को याद रख सकेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए, अभी तक प्रकृति में 112 से ज्यादा तत्वों की खोज हो चुकी है। तत्व क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए। तत्व जो है पदार्थ का सबसे शुद्धतम प्योर सबसे शुद्धतम रूप होता है, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे लिक्विड एलिमेंट्स, द्रव या तरल तत्व। कमरे का टेम्परेचर अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 278 केल्विन पर ये पाए जाते हैं आपको द्रव अवस्था में। जैसे कि देख लीजिए, इसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम, ब्रोमीन, हाइड्रागायरम, ये सारे संकेत हैं तत्वों के फ्रेंड्स, सिंबॉल। यहाँ पर हाइड्रागायरम, इसको जो है वैज्ञानिक नाम है पारा का या मरकरी का, ये तो आप जानते होइएगा, ये धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन जो है अधातु है और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसको हम Br2 लिखे हैं इसलिए क्योंकि ये प्रकृति में इसके दो अणु जो है संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, तो इसलिए Br2 के रूप में यह प्रकृति में नेचर में पाया जाता है। तो ये गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम, ब्रोमीन और हाइड्रागायरम। आइए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं लिक्विड नॉन मेटल्स, अधात्विक तत्व जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन, Br2, याद रखिएगा इसका परमाणु संख्या 35 होता है। इसके अलावा लिक्विड मेटल्स, धात्विक तत्व, गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रागायरम। इसको याद रखने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको फ्रेंड्स। आप ये याद रखिए कि अधात्विक तत्व अर्थात अधातु और धातु क्या होते हैं। अगले वीडियो में किसी नए वीडियो में किसी हम बात कर लेंगे धातु और अधातु क्या होते हैं। इतना ही याद रखिए कि धातु जो होते हैं सामान्यतः चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं और वे तन्य होते हैं, आघातवर्ध होते हैं। अधातु जो होते हैं चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन एक अपवाद में एक्सेप्शन में आता है आयोडीन। इसके अलावा अधातु जो होते हैं भंगुर होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब आगे बात कर लेते हैं अब ट्रिक पर आकर के। ट्रिक में याद रखिए फ्रेंड्स, गब्बर सिंह फौरन हाजिर हो। देखिए कितना अच्छा ट्रिक है, एक बार में आपको याद हो जाएगा, गब्बर सिंह फौरन हाजिर हो। गैलियम, ब्रोमीन, सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रागायरम और पारा तो ये है, और पारा के बारे में आप लोग जानते होइएगा, पारा का जो परमाणु संख्या होता है 80 होता है और इसलिए मैंने उसको नहीं बताया है, पारा को हाइड्रागायरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर याद रखिए फ्रेंड्स, गैलियम का परमाणु संख्या 31, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87 और ब्रोमीन का 35 और पारे का जो होता है 80 होता है। तो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में, यह प्रश्न बार बार पूछा गया है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको ट्रिक के सारे बताने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार।